Very good morning, students. I am your maths teacher, and today I will teach you maths of class 5th. And today we start new chapter, chapter 3, addition and subtraction of large numbers. And today we do exercise 3.1. बच्चों आज हम next chapter शुरू करने जा रहे हैं, chapter 3, जो हमारा addition and subtraction करना है हमें लार्ज नंबर का. तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1. दिस इज योर मैथ्स बुक, मैथ्स ऑफ क्लास 5th. ओपन चैप्टर नंबर 3. दिस इज द चैप्टर नंबर 3, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स. एक्सरसाइज 3.1 ए पार्ट, एड दी फॉलोइंग. देखो ये हमें कुछ सम्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें ऐड करना है. तो ये ए पार्ट बच्चों आप बुक में ही फिल करेंगे इनको, और बी पार्ट हम अपनी नोटबुक में करेंगे. ओके, तो ए पार्ट आपको बुक में ही फिल करना है, बी एंड सी पार्ट आप अपनी नोटबुक में करोगे. तो पहले ए पार्ट देख लीजिए, ये आपको प्लस आते होंगे अच्छी तरह से, फिर भी आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप अपने आप करेंगे. देखिए ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें ऐड करना है. तो 1 एंड 7 हम 1 से शुरू करते हैं. तो 1 एंड 7 8, यहाँ 8 लिखेंगे. 2 एंड 9 11, 1 इसका कैरी बच्चों हम 4 के ऊपर लगा देंगे. यहाँ 1 4 8 13, 3 लिखेंगे इसका कैरी 6 के ऊपर. फिर 1 6 एंड 5 12, हम यहाँ 2 इसका 1 कैरी हम यहाँ लगा देंगे. फिर 1 7 एंड 4 12, फिर 2 आ जाएगा इसका 1 कैरी हम यहाँ लगा देंगे 3 के ऊपर. 1 3 एंड 1 5. सो दिस इज़ द आंसर. तो इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पे कैरी लगाएंगे और इनको प्लस करेंगे. ओके, नाउ सी बी पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. देखो यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है बच्चों, यानी कि हमें इन नंबर्स को प्लस करना है. तो हम इसी तरह से हम प्लस नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को जैसे ये कॉलम में लिखा हुआ है, इस तरह से हम कॉलम में अरेंज करेंगे. एंड देन वी एड. ओके, चलो करते हैं बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन. पहले हम देखो ये 3 नंबर्स हैं, 1 2 3, ये 3 नंबर्स हम अपनी नोटबुक में जैसे ये लिखे हुए हैं, इस तरह हम कॉलम में लिख लेंगे. ओके, देखिए एक्सरसाइज 3.1 बी पार्ट, हम बी पार्ट करेंगे फर्स्ट. तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर है हमारा, तो हम इनको फर्स्ट लाइन में यहाँ पर लिख लेंगे. देखिए 5, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे बच्चों, 5 2 6 8 3 1, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया. अब इसके नीचे जो सेकंड लाइन है, इसमें हम जो आपकी बुक में सेकंड नंबर लिखा हुआ है उसे हम लिखेंगे. तो हम यहाँ वंस के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, पीछे से इस तरह से. तो पहले हम लिखेंगे 9 7 0 1 7 8 6 और 1. ऊपर नंबर कम पड़ गए, कोई बात नहीं, जो नंबर है हम आगे की तरफ लिखते चले जाएंगे. अब बच्चे जो थर्ड नंबर है, अब हम थर्ड लाइन में लिखेंगे, वंस के नीचे से लिखना शुरू करेंगे. 0 3 1 2 8 5 9 7 और 4, वो हम यहाँ आगे लिख देंगे इस तरह से. तो ये हमने 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हमने 3 लाइन में लिख लिए. तो ये हमने क्या कर लिया, कॉलम में इनको अरेंज कर लिया. अब हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे. ओके,
अब हम इनको प्लस करेंगे। देखिए 1 और 9 10, सो फर्स्ट वेरायटी है 0 एंड 1 कैरी ओवर 3। अब प्लस करेंगे 10 13 14, तो 4 आ जाएगा बच्चे यहाँ। इसका 1 कैरी हम 8 के ऊपर लगा देंगे, 1 8 और 1 10, फिर 0, इसका 1 कैरी 6 के ऊपर आ जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 0, इसका 1 फिर 2 के ऊपर आ जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे 15 16 18, तो 8 1 कैरी हम 5 के ऊपर लिखेंगे। अब देखिए 1 इनको प्लस करेंगे हम 5 10 18 19, तो 9, इसका 1 कैरी बच्चों हम यहाँ पर 6 के ऊपर है, हम यहाँ लगा देंगे ये 1 6 9, इन तीनों को प्लस करेंगे 16, तो यहाँ 6, इसका 1 कैरी है 1 के ऊपर, हम यहाँ लगा देंगे, इसी लाइन में लगाना है 1 1 7, तो 9 हो गया, इसमें कोई कैरी नहीं है, 4 का 4, सो दिस इज द आंसर। तो सभी क्वेश्चंस बच्चों आपको देखिए यहाँ पे इसी तरह से करने हैं। अपनी बुक में देखिए बी पार्ट में 1 to 6, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम इसी तरह से कॉलम में अरेंज करेंगे और फिर हम उनको प्लस करेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया, देखो इस तरह से है ना। ये फर्स्ट नंबर है, हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिख लिया, सेकंड नंबर को हमने सेकंड लाइन में लिखा, थर्ड नंबर को हमने थर्ड लाइन में लिखा, फिर इन सबको हमने प्लस कर दिया। तो इसी तरह से बी पार्ट आप बिल्कुल सेम अपनी नोटबुक में करेंगे। अब देखिए सी पार्ट, सी पार्ट में देखिए बच्चों यहाँ पे आप देखो यहाँ तो प्लस लगा हुआ था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है कॉमा, तो यहाँ पे भी कॉमा लगा हुआ है, यानी कि ये नंबर यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर इसके बाद ये सेकंड नंबर शुरू हो गया, तो जहाँ तक कॉमा है वो नंबर हमें पूरा एक साथ लिखना है, फिर कॉमा के बाद वो नया नंबर है, फिर उसे हमें नई लाइन में लिखना है। तो इन्हें भी हम देखो अरेंज इन कॉलम एंड ऐड, कॉलम में लिखना है फिर हम इनको ऐड करेंगे। तो चलिए पहले हम देखो जहाँ पे कॉमा है पहले इस नंबर को लिखेंगे, उसके बाद कॉमा के बाद ये सेकंड नंबर है इसे हम सेकंड लाइन में लिखेंगे, और एंड के बाद जो है ये नंबर ये हम थर्ड लाइन में लिखेंगे, फिर हम इन 3 नंबर्स को प्लस कर देंगे। चलिए बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। पहले हम फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर 7 3 2 4 5 2, अब इसके नीचे हम यहाँ से शुरू करेंगे लिखना 3 4 2 6 7 1, अब थर्ड नंबर हम थर्ड लाइन में लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 4 5 8 6 1 2, ये 3 नंबर्स हमने बच्चों 3 लाइंस में लिख लिए, ये हमने कॉलम में लिख लिया, ये कौन सी फॉर्म है बच्चों कॉलम, अरेंज कर लिया हमने, अब हमें ऐड करना है इसलिए प्लस का साइन लगा देंगे हम। अब प्लस करते हैं 2 3 एंड 4, 9 हो गए बच्चों, कोई कैरी नहीं है, 4 5 4 5, तीनों को प्लस करेंगे 14, यहाँ 4, इसका 1 कैरी हम इस 4 के ऊपर लगाएंगे यहाँ। अब फिर प्लस करेंगे 15 हो जाएगा, 5 लिखेंगे, इसका 1 कैरी 2 के ऊपर आ जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे 15 होगा 5, फिर से 1 कैरी हम 3 के ऊपर लगा देंगे हम यहाँ, 12 2, 1 कैरी 7 के ऊपर, 1 7 1 एंड 2, सबको प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से बच्चों सी में सभी पार्ट्स आपको इसी तरह से पहले कॉलम में अरेंज करेंगे फिर उसे हम प्लस करेंगे, सेम इसी तरह से करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो
ओके, सो योर एक्सरसाइज 3.1 इज कंप्लीटेड. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.